हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। और आप देख रहे हैं एस एडिट्स। तो गाइस, वीडियो बहुत ही लेट हो चुकी है, तो इसलिए सॉरी एंड वीडियो में अब ला चुका हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, हमने बैकग्राउंड अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो गाइस, बैकग्राउंड तो हमने ओपन कर लिया है पहले से ही, एंड इसे हम ड्रॉ टूल में ओपन कर लेंगे। तो गाइस, ड्रॉ टूल में हमने इसलिए ओपन किया है, तो गाइस इसकी शेडो बनाएंगे हम। तो गाइस, यहाँ पे हमने लेयर पैनल पे जाना है एंड एक लेयर ले लेनी है। तो गाइस, उस लेयर पे आपको काम करना है। एंड उस लेयर पे आपको क्या करना है, अपना फोटो मतलब जो मॉडल है ना, उसे ले आना है। तो गाइस, मैं मॉडल का जो PNG है पहले ही निकाल लिया हूँ, जिससे टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो गाइस, आपको अगर इरेज नहीं करना आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना, मैं वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे मैंने लिंक दिया है वीडियो का, वहाँ से जाके देख लेना, तो आप परफेक्टली बैकग्राउंड इरेज करना सीख जाएंगे। एंड गाइस, इसे हम ले लेते हैं अपने यहाँ पर मतलब झूले पे, ठीक तरह से सेट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना। एंड गाइस, सेट कर लेते हैं हम जल्दी से। तो गाइस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। एंड यहाँ से गाइस, हमने इसे सेट सेट कर लिया है। एंड अब आप यहाँ से जाएंगे, एम्प्टी लेयर ले लेंगे एक। गाइज, यहाँ हमने एक एम्प्टी लेयर ले ली है। एंड गाइज, आपको इस एम्प्टी लेयर पर काम करना है। एंड एम्प्टी लेयर पर आपको ब्रश में जाना है, ब्रश की ओपेसिटी एंड साइज को आप अपने हिसाब से रख लेना है। ओके गाइज, ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, एंड ज़्यादा भी कर मतलब कम ही करना है। और गाइज, आपको जो आप बैठे हैं ना, जिस झूले पर बैठे हैं, तो गाइज आपको उसके नीचे फेरना है धीरे धीरे। एंड जैसे मैं फेरता हूँ, आप देख लेना कैसे करता हूँ मैं। एंड गाइज, आपको धीरे धीरे यहाँ पर नीचे नीचे फेर देना है, जिससे कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा फेक नहीं लगे। एंड इधर को आपको कर देना है। एंड गाइस, थोड़ा सा आगे हो चुका है, एंड इरेजर से जाएंगे हम, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं सही। पहले इरेजर पे जाएंगे एंड इसे यहाँ से सही कर लेंगे। एंड गाइस, दोबारा ब्रश पे ऑप्शन पे जाएंगे हम, दोबारा ब्रश पर चले जाएंगे, एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ को और डाल देते हैं। ओके गाइस, एंड आगे की तरफ को भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फेर देना है, एंड इधर भी आपको ऐसे ही कर देना है। और इधर भी आपको थोड़ा सा जो है ना, ब्रश मार देना है, जिससे कि यहाँ पे भी आपकी बैठने की शेडो आ जाए। तो गाइज, यहाँ पे अभी हमने पूरा कर लिया है। एंड गाइज, अब आपको लेयर पैनल पे जाना है। लेयर पैनल पे जाकर आपको क्या करना है गाइज, वो जो है ना गाइज, लेयर पे हम जा लेते हैं, चलो चलते हैं लेयर पर। तो गाइस, जिस पर हमने शेडो बनाई है ना, तो उसे मॉडल की लेयर के नीचे ला देना है। आपको ओपेसिटी कम करके मॉडल की लेयर के नीचे को ला देना है। एंड सॉरी गाइस, ये मॉडल के नीचे लेयर ला देते हैं। तो गाइस, बिल्कुल ही एकदम परफेक्टली हमारी शेडो बन चुकी है, देख लेना गाइस, एकदम परफेक्टली शेडो बन चुकी है। एंड यहाँ से थोड़ा इरेजर से जो बाहर बाहर शेडो का वो है ना हिस्सा, तो उसे हम गाइस यहाँ से इरेज कर लेंगे, जो कि काफ़ी फेक नहीं लगेगा, मतलब फिर अगर नहीं फिरेंगे तो फेक फेक लगेगा थोड़ा सा। तो इससे हमारे जो फोटो में है ना, थोड़ी रियलिटी आएगी, बहुत ही बढ़िया करके रियलिटी आएगी गाइस। इसे ओपेसिटी को और साइज़ को आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। एंड गाइस, अब आपको यहाँ ओपेसिटी फुल रख के इसका साइज़ अपने हिसाब से सेट कर लेना है, एंड ओपेसिटी कम भी कर लेना है आपको, कम करके यार एंड हार्डनेस करके देख लेना है, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ पर आपकी रियलिटी आ रही है। एंड तो गाइस, यहाँ से हमने थोड़ा इरेज कर लिया है इसे। तो गाइज़, हम यहाँ से हमारा फ़ोटो हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो गाइज़, अब फ़ोटो में जो है ना, कुछ रीटच की बारी है। एंड यहाँ पे कुछ हम तो गाइज़, यहाँ पर हम कुछ अपने स्पार्कल के PNG हैं थोड़े से, वो ऐड करेंगे, जिससे हमारे फ़ोटो में बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड रियलिटी आए। तो गाइज़, हम चाहते हैं अपने डाउनलोड में जाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले एक फ़ोटो एडिटिंग करी थी, उसमें मैंने स्पार्कल का ज़्यादा उपयोग करा था, एंड तो वही मैं स्पार्कल यहाँ उपयोग करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर देना। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो गाइज, यहाँ पर हम इसे बड़ा कर लेते हैं, जैसे स्पार्कल उड़ रहे हैं। ओके गाइज, हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे, थोड़ा सा इधर को घुमा लेंगे थोड़ा। एंड गाइज, जो फेस फेस पे आ रहा है ना गाइज, आपको उसे इरेज कर देना है। इरेज करके आपको गाइज, यहाँ से थोड़ा सा इधर को मार लेंगे आप, थोड़ा सा ऊपर भी, एंड यहाँ से आप इरेज कर देना है, पूरा पक्का आपको इरेज कर देना है। एंड यहाँ से आपको ओके कर देना है।
एंड गाइज जो दूसरा वाला है ना गाइज, उसे भी आपको यहाँ ले आना है, एंड उसे भी आपको ब्लाइंड पर जाना है, उसे भी आपको स्क्रीन कर देना है, एंड उसे गाइज नीचे की तरफ को ले आना है आपको, थोड़ा मतलब वो आए क्या कहते हैं उसे, टेम्परेचर लुक आए थोड़ा सा। एंड गाइज लाइट रूम में काफ़ी अच्छी कलर रीडिंग होने वाली है इसकी, तो गाइज वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। लाइट रूम में जाने से पहले गाइज मैं कुछ बताऊंगा, एंड यहाँ से हमारी फ़ोटो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एंड ड्रॉ टूल में जाएंगे हम, तो इस ड्रॉ टूल में जाते हैं गाइज, हम चलते हैं ड्रॉ टूल में। गाइज हम ड्रॉ टूल में आ चुके हैं, एंड गाइज ड्रॉ टूल में आपको कुछ नहीं करना है, उसे सिंपली सेव कर लेना है फुल एचडी में फ़ोटो को, अपने 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। क्यों सेव करना है गाइज, हम इसका लाइट रूम में जाए कलर रीडिंग करने वाले हैं। चलिए चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, रूम एप्लीकेशन में चलते हैं। एंड गाइज लाइट रूम एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको कलर रीडिंग करनी है इसमें जो काफ़ी बढ़िया वाली, तो गाइज आपको पहले सूरज वाले टूल में जाके एक्सपोजर इसका कम करना है, एंड हाइलाइट्स को बढ़ाना है, शेडो को कम करना है आपको, वाइट्स को बढ़ाना है, ब्लैक्स को बढ़ाना है, एंड कलर वाले टूल में आके गाइज इसको कस्टम कर देना है। एंड गाइज आपको वाइब्रेंस बढ़ानी है फोटो की, सेचुरेशन थोड़ी सी कम करनी है, मतलब हाई करनी है थोड़ी सी। एंड गाइज मिक्स टूल पे आके आपको उस ऑरेंज पे जाके इसकी लुमिनेंस बढ़ानी है, एंड गाइज येलो की सेचुरेशन, ग्रीन की सेचुरेशन आपको, मतलब टील को आपको थोड़ा सा सेचुरेशन हाई करनी है, एंड इसकी भी हाई करनी है, जाके काफ़ी बड़ा लुक आएगा हमारे, एंड इसकी सेचुरेशन कम करनी है आपको, एंड यहाँ से डन करना है। ओके गाइज एंड अब आपको आ जाना है गाइज क्लैरिटी के टूल में, इसकी फ़ोटो की क्लैरिटी आपको इंक्रीज़ करनी है थोड़ी सी, क्लैरिटी आपको विगनेट थोड़ा डालना है फ़ोटो के अंदर। एंड गाइज अब आपको आ जाना है शार्पनिंग के टूल में, एंड गाइज आपको इसकी शार्पनिंग को इंक्रीज़ करना थोड़ी सी, शार्पनिंग आप इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, एंड नॉइस रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, जिससे हमारे फ़ोटो में जो झिलमिल होती है ना वो एकदम परफेक्टली हो जाएगी, एंड यहाँ से स्मूथ और कलर्स नॉइस रिडक्शन को आप बढ़ा देंगे। तो गाइज हमें एक काम और करना है जो हमें सिलेक्टिव टूल्स के अंदर करना पड़ेगा, तो गाइज सिलेक्टिव टूल्स हल किसी के अंदर नहीं आता है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज हम चलते हैं सिलेक्टिव टूल्स के अंदर, और गाइज आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके ब्रश पे जाना है, एंड गाइज की कॉर्नर पे आपको कॉर्नर पे लगा देना है। ओके गाइज कॉर्नर पे आपको ब्रश मार देना है इसका, तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और अच्छी चीज़ और बताने वाला हूँ जो काफ़ी बढ़िया होगी। एंड गाइज का टेम्परेचर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, जो नीचे काफ़ी मतलब आपको नीचे धूल मिट्टी का जो कण होते हैं वो आपके लिए ऊपर उठते हुए दिखाई दे। एंड गाइज दोबारा आपको आ जाना है ऊपर के कॉर्नर पे भी मार देना है, ऊपर के कॉर्नर पे मारना है। ओके गाइज एंड गाइज अब आपको इस वाले पे आना है, एंड इसका टेम्परेचर आपको थोड़ा सा ही कम रखना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। ओके गाइज -4 रख देंगे आप, -6 भी सही चलेगा। एंड गाइज फोटो तैयार हो चुकी है, एंड गाइज मैं आपको दिखा दूँ कि पहले फ़ोटो कैसी थी एंड अब कैसी है, तो गाइज अब सब देखना जरूर। तो गाइज पिक्सआर्ट में कुछ कुछ ऐसी थी, एंड लाइट रूम में कुछ ऐसी है, तो गाइज काफ़ी अंतर दिख रहा होगा, तो गाइज 3 डॉट्स पर जाकर सेव टू डिवाइस कर देना आपको। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।